हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डेट डिज़ाइनर ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, आज के हम वीडियो में सीखेंगे निकर हम कैसे बनाते हैं, मियानी वाला हम निकर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने ही निकर आपको काट के बताया था। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट बैक है और ये हमारी मियानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जिन्हें अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके आप यही बता सकते हो कि आपको किस तरीके की वीडियो देखनी जाननी है, कटिंग जाननी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे मशीन में, हम मशीन में तागा कैसे डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि हमने ये रील ले ली है, ये हमारी मैचिंग की रील है। 19-20 भी हो चल जाएगा, क्योंकि ये हमारा नंगा अंदर पहनते हैं हमें। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे, इसके इधर को रखेंगे, इसको यहाँ पे पकड़ के यहाँ तो घुमा के इस तरीके से बीच में डालेंगे, इसके ऊपर वाले में। हमारा धागा आपसे आ रहा है, इसको हम कट कर लेंगे ताकि हमारे धागा डालने में दिक्कत ना पड़े। फिर हम यहाँ पे सुई में डाल देंगे, फिर हमको इस तरीके से करके हम बाहर को नीचे वाला धागा निकाल लेंगे। जैसे आप देख सकते हो, हमारा नीचे वाला धागा भी आ गया। अब हम इसको बराबर कर लेंगे, मियानी को साइड को रख देंगे, इसके फ्रंट बैक को अलग अलग कर लेंगे। और जो हमने कुटके लगाए थे, हम इसके हिसाब से इसको आराम से मोड़ लेंगे, इसको एक पैर के बराबर हम मोड़ लेंगे। हम इसको इस तरीके से सिलाई मारेंगे, फिर जैसे कि आप देख सकते हो हमने सिलाई मार दी। अब हमने दोनों पैचों में सिलाई मार दी, सिलाई मार के कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। हमने सिलाई मार दी, अब हम इसको भी दोनों पैचों को अलग कर लेते हैं। वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको इस तरीके से रख लेंगे, और यहाँ से इस तरीके से रख लेंगे इसको। पहले तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके देख लेंगे, यहाँ पे कुटका मार लेंगे आप। फिर मियानी को नाप लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये यहाँ तक आएगी, तो हम इसके हिसाब से भी कुटका मार लेंगे ताकि जब हम मियानी लगाएं तो हमारी दोनों तरफ की फिनिशिंग आए। हम उसको इस तरीके से रख के मियानी को सील लेंगे। जब हमने सिलाई मार दी है, हमने रुमाली देखो, जैसे कि आप देख सकते हो हमने ज्वाइन कर दिए। अगर आप इस पर घर पर बनाएंगे तो आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि इसके सूते जो है नहीं निकले। जैसे कि आप देख सकते हो, इसको इसके बीच में इतने में यहाँ पे आप सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई मार दी, अब हम क्या करेंगे, अब दोनों हम दूसरे पैंचों को भी इनको दोनों को जोड़ लेंगे हम आपस में। किस तरीके से, ये आप देखिए, मैं अब इसको इस तरीके से रखूँगा, यहाँ से जो हमने निशान लगाया था इस वाले कुटके को इस तरीके से रख लेंगे हम यहाँ से। अगर आप यहाँ से नहीं करेंगे तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो सिलाई। यहाँ से हम बीच में से पकड़ेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम लगा लेंगे सिलाई। जैसे कि आप देख सकते हो हमने सिलाई लगा दी है, अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा,
ये हमारी म्यानी लग गई, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर भी इस तरीके से सिलाई मार देंगे जैसे हमने इस साइड मारी थी, जिससे कि ये भी पक्की सिलाई हो जाए। ये हमने सिलाई मार दी है, फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हम इसमें नाड़ा डालेंगे तो हम इसको हम कैसे सिलेंगे अब ये भी देख लीजिए। पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे, पहले हम इसको सिलाई मारेंगे तो इसको इस तरीके से रख लेंगे और इस पर हम मारेंगे करीब इतनी 1.5 इंच सिलाई। फिर हम इसको पक्की करके सिलाई, यहाँ से हम 1.5 इंच या 1 इंच आगे करके 2 इंच कर देंगे, क्योंकि हम इसमें नाड़ा डालना है तो हम उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। यहाँ भी पक्की कर लेंगे सिलाई। फिर हमने सिलाई मार दी है, अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा पूरा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मारेंगे हम सिलाई, तो हमें बीच में भी यहाँ पे इतना छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी सिलाई हमने अंदर से मारी थी तो इस तरीके से आ गया था, यहाँ से हमने सिलाई मारी है तो इस साइड आ गया, तो इस साइड ही हमें इस तरीके से यहाँ से लेवल लेते हुए हम इसको इस तरीके कर लेंगे और यहाँ से हम कट कर देंगे इतना, तो यहाँ से इतना फोल्ड कर देंगे, उसको क्या करेंगे फिर यहाँ से इसको इस तरीके से मारेंगे सिलाई में। फिर यहाँ से हम इस तरीके से इसको लेके आ जाएंगे सिलाई को। इसको हमने सिलाई मार दी तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारे नाड़े की नहीं खुल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इस तरीके से रख लेंगे। इसका नेफा जो हम कहते हैं नेफा को भी हम मोड़ लेते हैं। पहले हम इसको इस तरीके से एक सिलाई मार लेंगे एक पैर की, पूरा हम राउंड घुमा देंगे एक पैर की सिलाई। तो जैसा कि हमने आप देख सकते हो हमने इसको पूरे राउंड सिलाई घुमा दी है। अब इसको हम हटा देंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको इतना मोड़ लेंगे करीब 1 से 1.5 इंच, 1 इंच भी आप मोड़ सकते हो। एक से 1.5 इंच हम इसको फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके हम इसको इस अच्छी तरीके से सीधा कर लेंगे, फिर हम सिलाई मार लेंगे इस तरीके से। हम इसको इस तरीके से करते करते पूरी राउंड सिलाई घुमा देंगे। फिर अब हम इसको हमने पूरे जैसे देख सकते हो हमने पूरी राउंड सिलाई घुमा दी। अब हम यहाँ से इसको पक्का कर देंगे सिलाई को ताकि निकले नहीं, फिर हम इसको कट कर देंगे। ये हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ से हमारा नाड़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पूरी सिलाई जैसे कि आप देख सकते हो हमारा लगभग पूरा नेकर तैयारी हो चुका है। अब हम इसके नीचे भी सिलाई यहाँ पे घुमा देंगे राउंड में नीचे इसकी मोरियों पर। इसको हम कितना कितना, इसको हम 1-1 इंच पे सिलाई मार देंगे। इसको हम इस तरीके से रख के यहाँ से सिलाई पक्की कर लेंगे इसको इस तरीके से।
यहाँ से हम थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे एक्स्ट्रा तागो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सिलाई मार दी है, तो आप क्या करेंगे, अब हम इसको फोल्ड सीधा कर लेंगे। सीधा कर लिया, अब हम इसके ऊपर एक सिलाई एक्स्ट्रा और मार देंगे ताकि ये हमारी सिलाई निकले नहीं। जैसे कि हमने उस साइड मियानी में कराया था, फिर इसी ही हम इसमें करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसके ऊपर भी सिलाई मार दी है। इसको हम कट कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारा नेकर पूरा का रेडी है। अब हमारा पूरा का पूरा नेकर रेडी हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हो अब हमने पूरा नेकर बना लिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको और किसी भी तरीके की सिलाई जाननी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वो आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और जिन्हें मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। बाय फ्रेंड्स।